हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक बायोलॉजी का, जो कि है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब इसमें हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सनलाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लीव्स। मतलब एक ऐसा पौधा लेते हैं गमले में लगा हुआ जिसकी हरी पत्तियाँ हों। प्लेस इट इन कम्प्लीटली डार्क प्लेस फॉर 3 डेज। फिर इसको एकदम अंधेरे कमरे में रखेंगे 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए क्यों रखेंगे, क्योंकि 3 दिन में इसके पास जो पहले से स्टार्च अवेलेबल होगा वो सारा प्लांट यूज कर लेगा। तो अब इसके बाद इसके पत्तियों में कोई स्टार्च नहीं बचेगा, देयर इज़ नो स्टार्च इन द लीव्स। ठीक है, अब कोई स्टार्च नहीं बनेगा बचेगा इसमें, तो मतलब अब जो भी स्टार्च बनेगा इसमें वो बनेगा फोटोसिंथेसिस अगर होगी तब। फिर क्या करेंगे, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल जो हम खाना पैक करने के लिए लेते हैं वो वाला फॉयल, और ब्लैक पेपर या फिर काला पेपर आता है उसको लेते हैं, एंड रैप इट इन सेंटर ऑफ वन लीफ ऑन बोथ साइड्स। मतलब मान लीजिए कि एक पत्ती आपके पास है, तो इस पत्ती के बीच में इसको लपेट देंगे। इसको मान लीजिए ब्लैक है आपके पास, तो इसको दोनों तरफ से इस पत्ती के बीच में ढक देंगे इसको, और इधर से इस पर क्लिप लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, ताकि इस पार्ट पे, पत्ती के इस पार्ट पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सके, क्योंकि हमको यही चेक करना है कि जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सनलाइट डज नॉट फॉल ऑन दिस पार्ट ऑफ द लीफ। अब इस पार्ट पर सनलाइट फॉल नहीं होगी, बाकी इस पर अगर धूप में रखेंगे तो सनलाइट गिरेगी। ठीक है, कीप दिस प्लांट इन ब्राइट सनलाइट फॉर 3 to 4 डेज। अब इसको क्या करते हैं कि उजाले में इसको रखेंगे, ब्राइट सनशाइन में 3 से 4 दिन के लिए। क्यों, तब तक फोटोसिंथेसिस होगा और स्टार्च बनेगा। अब क्या करेंगे, 3 से 4 दिन इसको रख दिया, फिर प्लक द पार्सली कवर्ड लीव फ्रॉम प्लांट। अब इसको पत्ती को पौधों से तोड़ लेंगे, रिमूव इट्स एल्युमिनियम फॉल, जो हमने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉल लपेटा था उसको निकाल लेंगे। कीप दिस लीव इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। इसको उबलते हुए पानी में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा मतलब एक बर्तन में पानी उबाल लेंगे, इसमें थोड़ी देर के लिए इस पत्ती को डाल देंगे। क्यों डालते हैं, टू ब्रेक डाउन इट्स सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन टूट जाए, एंड मेक लीव परमिएबल टू आयोडीन सोल्यूशन। और हमको एक्सपेरिमेंट करना आगे आयोडीन सोल्यूशन से, तो उसके लिए पत्ती परमिएबल हो जाए, मतलब आयोडीन सोल्यूशन उसके अंदर तक चला जाए, इसके लिए इसको बॉइलिंग वाटर में उबाल देते हैं। ठीक है, अब है नाउ वी नीड टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को भी निकालना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज क्लोरोफिल इंटरफेयर्स इन द टेस्ट फॉर स्टार्च ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, तो अगर हमको अभी स्टार्च से टेस्ट करना है, वो कलर का ही टेस्ट करना है, तो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तो वो टेस्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले क्लोरोफिल को निकाल लेते हैं। अब क्लोरोफिल को कैसे निकालना है, देखिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे उसमें पानी रखेंगे, और एक छोटा सा दूसरा बर्तन लेंगे, बीकर लेंगे, और उसमें पत्ती डालेंगे, उसमें अल्कोहल डालेंगे। ठीक है, फिर इसको हीट करेंगे, तो इसको हीट करेंगे तो क्या पानी गर्म होगा, जब ये पानी गर्म होगा तो अंदर ये अल्कोहल भी गर्म होगा, और जब ये अल्कोहल उबलने लगेगा, द बॉइलिंग अल्कोहल विल रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स, तो पत्तियों से क्लोरोफिल निकल जाएगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बीकर को डायरेक्टली ऐसे लेके यहीं पे हीट क्यों नहीं कर दिया, सीधे अल्कोहल वाला पत्ती में इसको पानी में क्यों लिया, तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अल्कोहल को सीधे गर्म करने पे अल्कोहल में आग लग सकती है, इस वजह से इसको गर्म पानी के अंदर गर्म कर सकते हैं। अब लीफ नाउ बिकम कलरलेस और पेल। अब चूँकि इसमें से क्लोरोफिल निकल गया अल्कोहल में बॉयल करने के बाद, तो या तो एकदम कलरलेस हो जाएगी, मतलब कोई कलर नहीं बचेगा, या फिर पेल हो जाएगी, पेल मतलब भी लगभग कलरलेस होता है। रिमूव लीफ फ्रॉम अल्कोहल, इसको अल्कोहल से निकालेंगे, एंड वॉश इट विथ हॉट वाटर, फिर इसको गर्म पानी से धुल लेंगे। ठीक है, नाउ प्लेस दिस लीफ ऑन ए पेट्री डिश, पेट्री डिश मतलब एक मान लीजिए ऐसे बर्तन आपका, इस पर इस पत्ती को रखेंगे। ठीक है, ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन ओवर लीव विथ अ ड्रॉपर। अब क्या करेंगे कि पत्ती के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन को ड्रॉप करेंगे एक ड्रॉपर के साथ, ऐसे ड्रॉपर मतलब होता है ऐसे पतला से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर उठा के उस पर आयोडीन सोल्यूशन गिराएंगे। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ द लीफ, अब देखेंगे कि पत्ती में कलर कैसा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, पहला ये होता है मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब पत्ती का बीच का हिस्सा, विच वॉज कवर्ड विथ एल्युमिनियम फॉयल, जिसको हमने एल्युमिनियम फॉयल से ढका हुआ था, डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। क्यों, शोइंग दैट नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ, ये दिखाता है कि इस मिडिल वाले पार्ट में कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सनलाइट कैन नॉट रीच दिस पार्ट, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई थी। इसका मतलब क्या हुआ,
कि नो फोटोसिंथेसिस इन दिस पार्ट, उस पार्ट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ठीक है। वहीं क्या होता है कि अनकवर्ड पार्ट जो होता है वो शो करता है ब्लू ब्लैक कलर ऑन आयोडीन, वो शो करता है ब्लू ब्लैक कलर, क्यों करता है, शोइंग दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब कि उस पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट है। क्यों स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि वो पार्ट एक्सपोज था आपका ये वाला हिस्सा और वहाँ पे सनलाइट पहुँची है, तो वहाँ पे हुआ है फोटोसिंथेसिस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये जान पाते हैं कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यही हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था। ऐसे ही फिर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, और या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें दिखाते हैं कि क्लोरोफिल ज़रूरी है कि नहीं इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसी तरीके से दो एक्सपेरिमेंट और पढ़ने अपने को, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। और तब तक के लिए थैंक यू।